आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा कि अलेक्जेंडर पॉप जो है उसका मिजाज कैसा था, बायोग्राफी कैसी थी, उसकी लाइफ कैसी गुजरी. दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर पॉप अ बायोग्राफिकल स्केच, इंग्लिश एसेट्स, क्रिटिक, satirist and one of the greatest poets of enlightenment. Alexander Pope was born in London as a son of Alexander Pope, a Roman Catholic linen merchant, and Ada Turner Pope, who was a 44 when Alexander, her only child, was born. Ada Pope belonged to a large Yorkshire family which divided into Catholic and Protestant line. Ek bahut badi Yorkshire family se taluq rakhti thi iski जो मदर थी, और वो जो है यानी कि इसके जो पेरेंट्स थे वो बिलोंग करते थे एक लार्ज यॉर्कशायर फैमिली से जो कि डिवाइड हुई हुई थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लाइंस में. हिज अर्ली इयर्स वाज स्पेंट एट विनफील्ड ऑन द एज ऑफ विंडसर फॉरेस्ट एंड रिकॉर्ड द पीरियड एज अ गोल्डन एज. और वो इस पीरियड को एज अ गोल्डन एज तसव्वुर करता था. दाई फॉरेस्ट विंडसर एंड दाई ग्रीन रिट्रीट्स एट वंस द मोनार्च एंड म्यूज सीट्स. वो विंडसर को जो है विंडसर फॉरेस्ट को कहता है कि तुम्हारे फॉरेस्ट विंडसर, विंडसर को कॉल करके कहता है दाई फॉरेस्ट विंडसर एंड दाई ग्रीन रिट्रीट्स, तुम्हारी ये जो ग्रीन रिट्रीट्स हैं यानी कि तुम्हारे ये जो सरसब्ज जो बागात हैं और द एडवांस मोनार्च जो कभी मोनार्च हुआ करते थे और म्यूज सीट और म्यूज यानी कि गॉडेस ऑफ पोइट्री की सीट हुआ करते थे यानी कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे. गॉडेस ऑफ पोइट्री क्या करती है? म्यूज जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है और वो कोई क्रिएटिव वर्क या कोई खूबसूरत तख्लीक करता है. इन्वाइट माई लेज, वो मेरी इनवाइट माय लेस, वो मेरी मतलब जो सुकून है उसको इनवाइट करती हैं. बी प्रेजेंट सिल्वन मेट्स, और वो कहता है बी प्रेजेंट सिल्वन मेट्स. सिल्वन जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, सिल्वन मेट्स वो बात कर रहा है. अनलॉक योर स्प्रिंग्स, अपने स्प्रिंग्स जो है वो कहता है तुम जो है अपनी खूबसूरती यहाँ पे, तुम्हारी विंडसर फॉरेस्ट, तुम्हारी खूबसूरती हमेशा यहाँ पे तुम ऐसे ही रहो सिल्वन मेट्स की तरह. अनलॉक योर स्प्रिंग्स, अपने स्प्रिंग्स जो है अनलॉक करो और ओपन ऑल योर शेड्स. और अब उसी फॉरेस्ट से वो उसी फॉरेस्ट को वो सिल्वन मेट्स कह रहा है और वो कह रहा है अपने तमाम शेड्स उनको ओपन करो. एनेक्डोट्स फ्रॉम पॉप्स लाइफ वर डीम्ड वर्दी ऑफ कलेक्टिंग ड्यूरिंग हिज टाइम. जॉर्ज स्पेंस, अ क्रिटिक, माइनर पोएट एंड पॉप्स बायोग्राफर, टेल्स दैट पॉप वाज अ चाइल्ड ऑफ पर्टिकुलर स्वीट टेंपर्स एंड हैड अ ग्रेट डील ऑफ स्वीटनेस इन हिज लुक व्हेन ही वाज अ बॉय. Pope's father, the son of an Anglican vicar, had converted to Catholicism, which caused the family many problems. At that time, Catholics suffered from repressive legislation and prejudices. They were not allowed to enter any universities or held public employment. Thus, Pope had an uneven education, which was often interrupted. At home, Pope's aunt taught him to read. Latin and Greek he learned from a local priest, and later he acquired knowledge of French and Italian poetry. Pope also attended clandestine Catholic school. Most of his time Pope spent reading books from his father's library. He did nothing but write and read, said later his half sister. Uski half sister ne kaha tha ki he did nothing but write and read. While still at हाफ सिस्टर मीन्स के मुंह बोली बहन जो थी उसकी, उसने कहा था बाय स्टिल एट स्कूल पॉप रॉट अ प्ले बेस्ड ऑन स्पीचेस फ्रॉम लाइफ. और स्कूल में भी पॉप जो है उसने एक प्ले लिखा था जो कि स्पीचेस ऑफ द फ्रॉम लाइफ पे बेस करता था. इन 1700 व्हेन हिज फैमिली मूव्ड टू बेनफील्ड इन विंडसर फॉरेस्ट पॉप कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरक्लोसिस. जब उसकी फैमिली 1700 में मूव कर गई बेनफील्ड विंडसर फॉरेस्ट में, तो पॉप जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस का अटैक हुआ थ्रू इन्फेक्टेड मिल्क. इट वाज प्रोबेबली पॉट्स डिजीज, ये उस वक्त जो है इसको पॉट्स डिजीज कहा जाता था. और ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ऑफ स्पाइन, उसकी जो स्पाइन थी उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया था. ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसकी वजह से इंसान की पूरी बॉडी जो है वो अपने बिल्कुल सीधी होती है, और कमर में अगर आपके दर्द हो जाए तो देखें हम लोग किस तरह से झुक के चलना शुरू हो जाता है. मेरा भी एक्चुअली स्पाइन का इशू हुआ था ना, जिसकी वजह से मैं पैरालाइज हुई थी,
तो दैट इज द मोस्ट, मतलब दर्द तो पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो तो नाकाबले बर्दाश्त होता है, लेकिन ये जो स्पाइनल पेन होता है ना, और ये स्पाइनल इन्फेक्शन ये इंसान को जो है ना बिस्तर का कर देता है. ही ऑल्सो सफर फ्रॉम एस्थमा एंड हेड एचेस एंड हिज हम्पबैक वाज कॉन्स्टेंट टारगेट फॉर हिज क्रिटिक एंड लिटरेरी बैटल. और वो जो है उसको फिर एस्थमा का भी अटैक हुआ और हेड एचेस का भी, और उसकी जो हम बैक थी यानी कि वो जो उसके पीछे से कुंभ निकल आया था और उसकी जो पीछे से जिसे कहना चाहिए ना उसकी जो स्पाइन थी वो उठी हुई होती थी, तो उसकी कमर जो है, तो ये जो है कॉन्स्टेंट टारगेट रहा फॉर हिज क्रिटिक एंड लिटरेरी बैटल, उस क्रिटिक्स का लिटरेरी बैटल्स में, यानी कि क्रिटिक्स हमेशा उसको उसकी इस माजूरी को हमेशा हम बैक, मतलब उसकी ये हम बैक को हमेशा जो है क्रिटिक टारगेट किया करते थे. पॉ वॉज कॉल्ड अ हंच बैग टॉड, उसको जो है ये जो क्रिटिक थे उसको हंच बैग और टॉड कहा करते थे. इन मिडल एज ही वॉज 4 feet and 6 inches टॉल एंड वोर स्टिफन कैफर बॉडीज टू सपोर्ट हिज स्पाइन. और मिडल एज में जब वो 4 feet और 6 inches टॉल था और वो एक स्टिफन कैनवस पहना करता था के ताकि बॉडीज टू सपोर्ट हिज स्पाइन, ताकि वो सपोर्ट कर सके अपनी स्पाइन को. सेम एज द केस ऑफ मी, के मैं अपनी स्पाइन्स को सपोर्ट करने के लिए जब मैं पार्ट वन के पेपर देने जाती थी तो मैं एक बेल्ट पहना करती थी ताकि मेरी स्पाइन्स को थोड़ी सपोर्ट और मैं जाके पेपर दे सकूँ, इवन फॉर इन सिटिंग पोस्चर एंड इन. अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिकवर्ड हो चुकी हूँ, स्टूडेंट्स की दुआएं लग गई हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल के ये स्पाइंस के प्रॉब्लम कितना आपको तंग करते हैं अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो. अगर ये एग्रेवेट कर जाए ना इस वजह से, बेटा अपनी बॉडी का, अपनी स्पाइंस का, स्पेशली अपने बैठने के पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए ना तो इंसान बस बिस्तर का होके रह जाता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये जो बीमारी होती है ना ये हमेशा अल्लाह की तरफ से होती है, ये चीज़ हमेशा, या तो हमारी अपनी कोई खता होती है, दूसरी चीज जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है. और ये बीमारियां ही होती हैं कि जो बंदे को अल्लाह के करीब करती है, ठीक है, या उसको कोई एक क्रिएटिव, मतलब अगर अल्लाह ताला कोई एक चीज जो है मतलब इस बीमारी के साथ तकरीबन मैंने 13-14 years गुजारे, ठीक है, और आप यकीन करें कि इस बीमारी की वजह से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. सबसे पहली चीज ये ऑनलाइन क्लास ना होती अगर मैं बीमार ना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी कि मैं घर के बाहर की दुनिया को देखूं. आई कैन नॉट गो विद माय किड्स आउटसाइड इन द, मतलब मेरे बच्चे मुझे कहा करते थे, पहले मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेलती थी, फुटबॉल भी खेलती थी, मेरी सारी एक्टिविटीज बंद हो गई. मेरे बच्चे मुझे कहते थे मामा चिप्स बना रहे हैं, मुझसे खड़े नहीं हुआ जाता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी खड़े होने की कि मैं कर सकूं. वो मुझे कहते थे हमारे साथ पार्क जाए, लिटरली एट दैट टाइम, मतलब जब इन द 22 years ऑफ एज जब मुझे ये बीमारी हुई तो मैं अपने हस्बैंड को एक लिस्ट बना के दिया करती थी, अभी भी वही लिस्ट ही बना के देती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो जितनी भी ग्रॉसरी है वो खुद करते हैं, और बच्चे जो है वो पार्क्स में अपने बाबा के साथ जाते थे, मामा नहीं जा सकते. तो दैट इज द थिंग कि उस वजह से मैं थोड़ी सी घर में कन्फाइन होके रह गई, और जब घर में कन्फाइन हुई एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी को सोचने की कोशिश की, देन आई हैव सेलेक्टेड द कंटिन्यूएशन ऑफ माय एजुकेशन. नॉट फॉर, मुझे पता था मैं कभी जॉब नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना था, और वो मेरी जो एक कोशिश थी कि हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, यार मुझे पता है मैं बहुत कमजोर, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर तेरी तौफीक हुई ना मुझे सब कुछ मिलेगा, मुझे यहीं पे बैठे बैठे मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा. और मैं अल्लाह ताला से ये भी कहती थी कि या अल्लाह मुझे नाशुक्री से बचा दे, क्योंकि ये जो तूने दी है ना ये भी तेरी, ये जरूर इसमें तेरी कोई भलाई है, जो कि हमारा जो इंसानों का इल्म होता है ना वहां तक पहुंच नहीं सकता. तो बेटा अल्लाह ताला इंसान को पहले आजमाइश देता है, आजमाइश देता है हर किसी को देता है. कुछ लोग होते हैं देखे सीख पे तो हर कबाब ने चढ़ना है, इंसान उस कबाब की तरह जो दुनिया में आ गया ना बेटा वो आजमाया जाएगा. आप कभी कबाब को देखें, कुछ कबाब कच्चे होते हैं और वो कोयले पे गिर जाते हैं, क्या होता है, खाने के काबिल भी नहीं रहते और डी शेप हो जाते हैं. इसी तरह से हर इंसान को आजमाया जाता है, जिसमें से 95% लोग फेल होते हैं, 5% से भी कम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, और वो पूरा का पूरा कबाब उस सीख के ऊपर भी
पिरोए जाते हैं और उन कोयलों के ऊपर भी पकते हैं, वो एक फुल फॉर्म में आते हैं। फिर वो जब कबाब खींच के उतारा जाता है ना उस सीख के ऊपर से, तो वो एक फुल फॉर्म में होता है जो खाने के काबिल होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला बंदे चुनते, अल्लाह ताला हर बंदे को, जो कहता है ना मैं ईमान ले आया अल्लाह पे, अब अल्लाह उसको आजमाएगा, हर तरह से आजमाएगा। और आफ्टर दैट वो कहते हैं ना कि ईमान के कुछ लेवल्स होते हैं, पहले हम मुस्लिम होते हैं, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुस्लिम हो जाते हैं, मुस्लिम के बाद एक अगला स्टेप है जिसके हम मोमिन कहते हैं, ईमान वाले लोग। जब आपने कह दिया ना मैं मोमिन हूँ, अब अल्लाह आजमाएगा कि अब मुझे ईमान चाहिए, अब मुझे अपने ईमान की हिफाजत चाहिए। तो जब आप ईमान वाले लेवल पे कदम रखते हैं ना, एट दैट टाइम आपको आजमाया जाता है, जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम के बगैर, इंटरव्यू के बगैर, कुछ स्टेजेस होती हैं उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती, सेम इज द केस विद दैट। आफ्टर दैट अल्लाह ताला आपको खालिस करते हैं, खालिस किस तरह से किया जाता है, आपको आजमाइश दी जाती है, और अगर आप उस आजमाइश में फेल हो गए तो आप गिर जाएंगे कोयलों के ऊपर, और अगर आप पास हो गए तो अल्लाह आपको पहले मुखलिस करता है, अंदर से खालिस करता है, अंदर से प्योरीफाई करता है। नबियों को इसीलिए आजमाइशें दी गई थी ताकि अंदर से वो प्योरीफाई हो जाए, क्योंकि आप बड़े बड़े टास्क के लिए तब प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके लिए आपको छोटे छोटे जो है इम्तिहानों से गुजारा जाता है, क्योंकि उस बंदे से अल्लाह ने कोई बहुत बड़ा काम कराना। एंड आफ्टर दैट आपको खालिस किया जाता, मुखलस किया, मुखलस कर लिया जाता। मुखलस का मतलब होता है अल्लाह चुन लेता फिर उस बंदे को अपने कामों के। तो बेटा अपनी जिंदगी में ना दुआ मांगिएगा, ये जो तकालीफ होती है ना लिटरली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमेशा ये सोचें कि बेटा ये कुछ भी नहीं है, आप ये देखें कि उसके पीछे अल्लाह ने कितना दे दिया। तो व्हेनेवर कभी जिंदगी में कभी गिर गए ना, तो ये सोच लीजिएगा अल्लाह की हुक्म से गिरे, और जब उठे भी तो समझ लीजिएगा इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं है, अभी भी अल्लाह की वजह से उठे। ठीक है, मेरे पास बेटा बहुत स्किलफुल लोग आते हैं, इतनी स्किल्स मेरे पास नहीं है, इतने नॉलेजेबल लोग आते हैं, इतना नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं। जब मैं उनको अपने आप से कंपेयर करती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से एक बात कहती हूँ, या अल्लाह तूने मुझे चुना, वो मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा नाकिस बनता। तो बेटा वहां से एहसास होता है, लिटरली मैं लोगों की एनिमेशंस देखती हूँ, उनकी वीडियो एनिमेशंस देखती हूँ, मैं उनके यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, मैं उनके एड्स देख रही होती हूँ, दीस आर सो मच इंस्पायरिंग। गुड, मुझे पता है ना, बिकॉज आई एम द आर्टिस्ट, तो आप एक आम बंदा वो चीज़ नहीं जज कर सकता ना। तो बट द थिंग इज दैट दे कम टू मी कि जी आप हमारी प्रमोशन करते हैं काइंडली, और मेरी प्रमोशन किसने की? अल्लाह ताला ने। तो बेटा दैट इज द थिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नेवर एवर थिंक के आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है, आपका स्पीड ब्रेकर जो है ना आपकी गाड़ी जो है उसको हल्का जरूर करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पहले गियर पे आती है गाड़ी, उसके दूसरा भी चलता है, फिर तीसरा भी चलता है, फिर चौथा भी चलता है, ठीक है। तो बेटा लाइफ इज फुल ऑफ गियर्स, कभी कभार आपको बैक गियर्स लगाने पड़ते हैं, कभी फ्रंट गियर फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, कभी ब्रेक भी लगानी पड़ जाती है, कभी रेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये ब्यूटीज ऑफ लाइफ है, इसको कभी ये मत सोचिएगा कि मैं गिर गई। और दूसरी चीज बेटा, कभी अगर इस तरह की सिचुएशन आई ना जो अभी मैंने आपको बताई है, बेटा दुनिया के बड़े ताने पड़ते हैं, कोई कहता है अल्लाह का अजाब आ गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नेवर एवर बॉदर देम। वंस इंसान अपने आप को डिग्रेड खुद करता है, कोई और नहीं करता। मैंने कभी नहीं माना कि मैं डिग्रेडेड हूँ, मैंने कभी नहीं माना मुझ पे अल्लाह का अजाब है, बहुत ताने मिले हैं इस बीमारी के पीछे बेटा। बट वंस थोड़ा सा रोना जरूर आता है कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, अगर मैं चल नहीं सकती। अब देखिए उसको क्या कहते थे, हंच पैक्ड टोड। और आप अंदाजा करें कि हमारा मुआशरा कैसा है ना, कैसे कैसे ताने देते हैं लोग। बट अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, वो गिरने देता ही नहीं है उनको, सबके मुंह ऐसे बंद कराता है ना अल्लाह। आपकी सोच है, अल्लाह ईमान वालों के साथ है बेटा, उनको एंड तक सपोर्ट करता है।
अल्लाह ने मुझे इतना सपोर्ट किया. लोग कहते थे ये कुछ कर नहीं सकती, शी कैन नेवर एवर डू एनीथिंग. एंड माय टीचर्स ऑलवेज सेड कि शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. ये मेरे उस्तादों का कहना था जब मैं बहुत छोटी थी. और वो कहते थे कि ये शी इज सम, मतलब इसको पता नहीं अल्लाह ताला ने ऐसे क्या स्किल्स दी है, ये बहुत आगे जाएगी. तो वो मेरे उस्तादों का कहना था. लेकिन वो क्या है ना, हमारी जो हम जब फैमिलीज के अंदर होते हैं, हमारी फैमिलीज में एक्सेप्टेंस नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में एक दूसरे के बारे में बुक्स होता है, कीना होता है. एक बच्चा है जो टॉपर है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी लोग उससे थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं. कजन्स हैं, उनमें जेलसी आ जाती है. चचा चची हैं तो उनके अंदर जेलसी आ जाएगी, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, इनके बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके, इवन आपके सोशल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका ऊपर नीचे हो जाना, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. बट वन थिंग, दैट इज द आउटर थिंग. योर इनर ब्यूटी, योर इनर मोटिवेशन, दैट विल लीड यू टूवर्ड्स द सक्सेस. नेवर एवर थिंक कि मेरे पास कुछ नहीं है. इंसान के पास एक ही पावर होती है और वो है माई सेल्फ. अपने अंदर के बेटा इंसान को कभी मरने मत दीजिएगा. ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में बड़ी काम आएगी. और इनको पकड़ के रखिएगा. अल्लाह ताला ऐसे बंदे को गिरने देता ही नहीं है जिसका ईमान सिर्फ अल्लाह पे होता है. उसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान है ना. अगर मैं रोलिंग चेयर पे बैठ के पढ़ती थी और रोल करके पढ़ती थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने दीवारों के ऊपर अपने जो है वो चिपकाए हुए होते थे. तो बेटा That is, जो है ये जो हमारी जो विल पावर होती है ना, ये उस वक्त आती है कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं. जब गिर जाए ना, एक चीज याद रखिएगा कि कुरान मजीद में देखें, ईमान वालों को ना खौफ होगा ना गम होगा. गम आने लगे ना, ये आयत याद कर लीजिएगा. और अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ, जिसके साथ अल्लाह है ना वो कभी गिर नहीं. तो बेटा कुछ भी हो जाए, नमाज मत छोड़िएगा, अल्लाह को मत छोड़िएगा. कुछ भी हो जाए, मैंने पैरालाइज हो के भी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने बेड पे लेट के भी नमाजें पढ़ी हैं. कभी कभी ऐसे भी हालात हो गए थे कि वजू नहीं कर सकती थी, वॉशरूम नहीं जा सकती थी, तो मैंने तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ी. तो बेटा कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह को नहीं छोड़ना. ऐसा ना हो कि दुख आए और अल्लाह छूट जाए, और ऐसा भी ना हो कि खुशी आए और अल्लाह छूट जाए. दोनों सूरतों में अगर अल्लाह आपके हाथ से निकल गया ना बेटा, या अल्लाह ने आपको, या अल्लाह तो हमें नहीं छोड़ता, हम अल्लाह को छोड़ देते हैं, तो बेटा फिर उसकी नेमतें, उसकी ब्लेसिंग्स कुछ भी नहीं मिलेगा. आप फिर स्कैटर हो जाएंगे. अगर तो आपको कामयाबी मिली और अल्लाह ना मिला, तब भी आप यू आर द फेलियर. अगर नाकामी मिली और उसमें भी अल्लाह ना हुआ, देन यू आर ऑल्सो द फेलियर. बहुत दोनों सूरतों में हम फेलियर होते हैं. कामयाब वो इंसान होता है जिसको अपनी जिंदगी में अल्लाह का साथ और अल्लाह की ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो बेटा ये जो भी चीज है, चाहे अप है या डाउन है, दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, नॉट अ ब्लेसिंग ऑफ माय ओन सेल्फ. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. जिस दिन आपने कह दिया था ये मेरी वजह से, बस उस दिन डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो ये चीज, ये आजी, ये इनकसारी बेटा कभी नहीं सुननी. अल्लाह ताला को झुके हुए लोग पड़े. ठीक है, और ये अगर मेरे जिंदगी में ये बीमारी ना आती, तो आज आपको एक प्राउड आसमा शेख मिलती जिसको अपनी कैपेबिलिटीज पे बड़ा नाज होता. अल्लाह ने पहले मेरे से मेरी सारी पार्ट्स छीनी थी, और फिर अल्लाह ने मुझे बताया कि देखो तुम्हारी जिंदगी में जो करने वाला हूँ मैं, वो मैं हूँ, बताओ मानती हो कि नहीं मानती. अगर विदाउट कैपेबिलिटीज को छीने हुए मिल जाता ना बेटा, तो फिर मैं जरूर कहती कि मेरी, बट मेरी वजह से नहीं था. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स के अल्लाह ताला फिर बंदे को चुनता, और अगर ये ना होता तो आज मेरी बातों में अल्लाह भी ना होता. तो जिंदगी की जो कामयाबी है बेटा, उसमें एक कामयाबी ये है कि आपको अल्लाह की मार्फत आ जाए, आपको अल्लाह की मार्फत हो जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए, बंदे को बंदे की अपनी पहचान हो जाए कि मैं क्या चीज. और फिर उसके साथ आपको अल्लाह की मारिफत हो जाए कि अल्लाह का, दैट इज द, मतलब मैं कहती हूँ ग्लोरीफाइड ब्यूटी.
जैसे कहना चाहिए ना, ऑफ योर सेंसेस, ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर लाइफ. कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता. तो बेटा इस तरीके से अल्लाह पर इज्जतें देता, ठीक है. इज्जतें इंटेलिजेंस से नहीं मिलती, इज्जतें स्किल से भी नहीं मिलती, इज्जतें कम्युनिकेशन स्टाइल से भी नहीं मिलती. इज्जतें तो उसको मिल जाती हैं जिसे अल्लाह चाहता. फिर उनको भी तो मिल गई थी ना, स्टेटस तो उसको भी मिला था, और एंड में जब अल्लाह ने छीना तो उसको वर्क कर दिया हमेशा के लिए. तो बेटा इस वजह से ये इज्जतें देने वाली जात भी वही और जिल्लतें देने वाली जात भी वही. हम फिर भी कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है. नॉट अ सिंगल कि मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये एकेडमी मेरी वजह से, नेवर, कभी भी. तो बेटा ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती हैं जो आपको बहुत आगे जाके, बहुत आगे लेके जाती हैं. तो इनको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. मैं आपको सही बताऊं, अभी तक जितने भी टॉपर्स आए हैं ना वो छोटे शहरों के होते हैं. बड़े शहरों के बच्चे बहुत कम टॉप करते हैं, ज्यादातर छोटे शहरों के होंगे, मुल्तान के, भावलपुर के, खुशाब के, ठीक है, लाहौर के इर्द गिर्द के किसी गांव के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे अफसर बन जाते हैं. तो दीज आर द थिंग्स. आप देखें बड़े शहरों के बच्चे इतना आगे नहीं जाते, वो मैक्सिमम एमबीएस कर लेंगे, एमबीए करके वो जगह जगह कहीं 20,000 की नौकरी करेंगे, 40,000 की, कुछ इससे ज्यादा बस. लेकिन जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं ना वो बहुत आगे चले जाते हैं, अंदाजा करें. हालांकि उनके पास तो रिसोर्सेज भी कम होते हैं. द थिंग इज दैट वो एफर्ट करते हैं, वो मेहनत करते हैं, इसलिए आगे जाते हैं. क्या पॉप के पास जो है वो कोई सिटी में तो नहीं रहता था, वो तो एक विलेज में रहता था, ठीक है. लेकिन बट देख लें आप, तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं कि आपके रिसोर्सेज इतने मैटर नहीं करते हैं. आपकी इनर पावर, आपके इनर मोटिवेशन, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. आगे चलते हैं. यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर मूविंग टू लंडन पॉप पब्लिश्ड हिज फर्स्ट मेजर वर्क एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. दिस डिस्कशन वॉज बेस्ड ऑन न्यू क्लासिकल डॉक्ट्राइन एंड डिराइव्ड standards of test from the order of nature. Good nature and good sense must ever join to err as human, to forgive as divine. वो कहता है good nature और good sense जो है वो हमेशा must ever join, हमेशा रहनी चाहिए. To err as human, human देखें इंसान, to err as human, human जो है वो गलती का पुतला है, और to forgive divine, forgiveness जो है वो divine है, यानी कि अल्लाह का काम है कि वो हमें forgive करता है. और फॉरगिव डिवाइन, डिवाइन इंसान की भी डिवाइन नेचर को कहा जा रहा है कि हमारे सामने कई लोग होते हैं, कई गलतियां करते हैं, कभी कभार अगर लोगों के ताने ना मिले ना हम भी आगे नहीं चलते. तो बेटा वो लोगों के ताने भी तो ब्लेसिंग ही होते हैं ना. वो कौन सा, अगर वो हमें ताने ना दे. मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको उनका पूरा घर सपोर्ट कर रहा होता है लेकिन वो फिर भी फेल हो जाते हैं, असल में उनको ताने नहीं मिले हुए होते. ये इस तरह के जो ताने होते हैं ना, टू अर्ड इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. तो बेटा ये जो चीजें होती है ना, ये इंसान को बड़ा आगे लेके जाती है, ठीक है. आपको कोई ताना दे दो तुम कुछ नहीं कर सकते, अब आप कहेंगे मैं जिद में करके दिखाएंगे कि नहीं मुझे तो अब करना ही करना. तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके यहाँ पे काउंट होती है कि टू अर्ड इज ह्यूमन, कि लोगों के तो काम है खता करना है, टू फॉरगिव डिवाइन. और अगर आप डिवाइन है, अगर आप अच्छे इंसान है तो आप फॉरगिव करें. Pop associated with anti-Catholic Whig friends, but by 1713 he moved towards the Tories. Tories or Whig जो है ये दो political parties थी. Becoming one of the member of Scriblerist club, और ये हमने Tories और Whig जो है वो हमने Jonathan Swift के Gulliver Travel में भी पढ़ा था. His friends among Tory intellectual included Jonathan Swift, Gay, Congreve and Robert Harley, first Earl of Oxford. In 1712, Pope published an early version of Rape of the Lock, an elegant satire about the battle between the sexes and follies of young women with her puff and powders, patches, Bibles, billet dogs. Billet dogs कहते हैं love letters को, ठीक है. और उसने जो है एक elegant satire की about the battle between the sexes, male और females के दरमियान उसने एक लड़ाई दिखाई, and follies of a young man, और यंग वीमेन की एक बेवकूफियां दिखाई कि वो जो कि अपने पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स और बिलेट डॉक्स यानी कि लव लेटर्स के साथ उसकी जो
इसके थ्रू उसकी फॉलीज जो हैं बेवकूफियां उसको रिप्रेजेंट किया गया. द वर्क वॉज एक्सपेंडेड इन 1740. इट्स फर्स्ट वर्जन कंसिस्टेड ऑफ टू कैंटो 1712 एंड द फाइनल वर्जन 5 canto 1714. The rape of the lock originated from a quarrel between two families with whom Bob was acquainted. The cause was not very small. Lord Peter cut off a lock of Miss Arabella Palmer's hair. और ये जो cause थी कोई बहुत छोटी नहीं थी. Lord Peter ने Miss Arabella Palmer के बालों की एक लट काट दी थी. Bob poem recounts the story of a young woman, Belinda. और Bob जो है वो recount करता story of the young poem Belinda जो के एक fictional character था. सिंबलाइज कर रहा था रियल कैरेक्टर मिस अरबेला फार्मर को. व्हेन शी वेक्स अप पॉप डिस्क्राइब डिवोटेडली हर एक्सोटिक कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी. स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है ना तो बेलिंडा जो होती है वो लेट मॉर्निंग उठने वाली खातून और लेट नाइट सोने वाली खातून होती है. और ये आजकल की जो जनरेशन है उसका डिलेमा है कि लेट नाइट सोना और सुबह लेट उठना. तो वो भी कुछ इसी तरह की थी. और उसके बाद हमारी क्या एक्टिविटीज होती हैं, एक्सोटिक कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी एड्स. शी प्लेज कार्ड फ्लर्ट्स ड्रिंक्स कॉफी एंड हैज अ लॉट ऑफ हेयर स्टोलन बाय एन आर्डेंट यंग मैन. और उसके हैज अ लॉक ऑफ हेयर और उसकी एक लॉक ऑफ हेयर थी जो कि एक आर्डेंट यंग मैन ने जो है वो कट कर दी थी. ठीक है. द मीटिंग पॉइंट्स the sacred hair this ever from the fair head. और वो जो meeting points किसके कैंची से काटे थे ना, तो ये meeting points यानी कि उस कैंची के जो दो meeting point है उन्होंने, यानी कि कैंची के close होते ही उसके meeting points बंद होते ही वो जो sacred hair है हमेशा के लिए उस fair head से अलहदा होके forever and forever. The flash, the living lightning from her eyes. और ये जो है इसकी वजह से एक living lightning उसकी eyes से flash हुई. And the screams of horror rendered afraid skies. और उसके मुंह से जो चीखें निकली ना उसने पूरे आसमान को हिला के रख दिया कि उसकी lock जो है वो कट गई. यानी कि इतना गमो गुस्सा उसकी आंखों में देखा गया और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हालांकि वो तो एक पढ़ी लिखी खातून थी. और normally हमारे साथ भी यही होता है कि जब हमारी लड़ाई हो जाती है ना किसी के साथ तो खवातीन कैसे लड़ती हैं, मासियों की तरह. तो वो भी बेचारी मासियों की तरह पढ़ी लिखी औरत थी लेकिन अंदर से तो फिर हम सारे वैसे के वैसे हैं. तो पॉज गिव्स द ट्राइबल इवेंट एन एक्सटेंडेड मॉक हीरोइक ट्रीटमेंट एंड एट द सेम टाइम कमेंट्स आयरोनिकली ऑन द कंटेंपरेरी सोशल वर्ल्ड हाई सोसाइटी प्री ऑक्यूपेशंस एंड परहैप्स सजेस्ट अ रिफॉर्म. पॉप जो है वो ये ट्राइबल इवेंट जो है एक ट्राइबल इवेंट देता है. ट्राइबल इवेंट एंड एक्सटेंडेड मॉक हीरोइक ट्रीटमेंट एंड एट द सेम टाइम कमेंट्स आयरोनिकली और उसी टाइम जो है वो एक कॉन्टेम्पोरेरी सोशल वर्ल्ड के ऊपर हाई सोसाइटी प्री ऑक्यूपेशन. यानी कि हाई सोसाइटी की प्री ऑक्यूपेशन क्या, हर वक्त बनना संवरना. लड़के जो है आजकल जेल लगाए फिरते हैं सर पे और वो उन्होंने भी लेंस लगाने हैं. तो उन्होंने पहले तो खाली लड़कियां तैयार होती थी, अब तो लड़कों को भी बेचारों को पार्लर जाना. तो यहाँ पे आप देखें कि दैट इज द कॉन्टेम्पोरेरी सोशल हाई सोसाइटी प्री ऑक्यूपेशन. ये उनकी प्री ऑक्यूपेशन थी बजाय इसके कि वो किसी क्रिएटिव वर्क जो काम है उसमें हिस्सा लेते. लड़कों का काम था कि लड़कियों की लटें काटना और लड़कियों का काम था कि फुली तैयार होना, कॉस्मेटिक्स में पड़ जाना, लव लेटर्स में पड़ जाना एंड परहैप्स सजेस्ट अ रिफॉर्म. और फिर उसने एक सजेस्ट किया एक रिफॉर्म को, यानी कि पॉप ने. Bob admired Horace and Virgil and valued them as models for poetry. His great achievement was the translations of Lied and Odyssey into English. The success of Bob's translation enabled him to move to Twickenham from anti-Catholic pressure of the Jacobites. However, Bob remained a Catholic even after the death of his father and mother. Bob's collected works were published in 1770. He was one of the first professional poet to be self-sufficient as a result of his non-dramatic writing. और वो जो है one of the first professional poet था जो कि self-sufficient था as a result of his non-dramatic writings की वजह से. That Twickenham Bob studied horticulture and landscape gardening. During his last year, Bob designed a romantic grot in a tunnel, which linked the waterfront with his back garden. It was walled with shells and piece of
pieces of mirror, Pope's villa about 15 miles from London, attracted also a number of writers, including Swift, whom Pope helped with the publication of Gulliver's Travels. With his neighbor, Lady Mary Wortley Montagu, Pope formed an attachment, but when the friendship cooled down, he started a lifelong relationship with Martha Blount. Pope had met Martha and her sister, Teresa, already in 1711. Later, in imitation of Horace, Pope referred to his former friend, Lady Mary, as Sappho and wrote, "Give me again my holy, a crust of bread and liberty." In Essay of Man, Pope examined the human condition against Miltonic cosmic background. Although Pope's perspective is well above all our everyday life, and he does not hide his wide knowledge and the dramatic work, suggests then humankind is a part of nature and diversity of living form. और उसने जो है कभी अपना वाइड नॉलेज जो है कभी उसने छुपाया नहीं, और उसके जो ड्रामेटिक वर्क है वो सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट ह्यूमनकाइंड इज अ पार्ट ऑफ द नेचर. ये जो ह्यूमनकाइंड है वो पार्ट ऑफ नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म, यानी कि ईच बीस्ट ईच इंसेक्ट हैप्पी इन इट्स ओन. हर बीस्ट और हर इंसेक्ट जो है अपने आप में हैप्पी है. Is heaven unkind to man and man alone? Kya heaven jo hai wo unkind to man hai ya man khud unkind hai? Theek hai, and the man alone. Kya man apne bare mein khud unkind hai ya phir heaven uske bare mein unkind hai? Actually, we are not good friends of ourselves. Agar zindagi mein jeena hai na beta, to apne best friend khud ban jaye. Mat ird gird ke logon ko blame kiya kare. और मत किस्मत को ब्लेम किया करें. ना तो हेवन का कसूर है ना इर्द गिर्द के लोगों का कसूर है. अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. तो बेटा ये जो सुरागे जिंदगी होता है ना, ये हमेशा आपके अपने मन के अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता. तो अब वो कहता है क्या हेवन अनकाइंड है हमारे लिए या इंसान खुद का खुद ही अनकाइंड. हम खुद अपने बहुत बुरे दुश्मन हो, इसलिए हम बार बार गिरते हैं. और फिर क्या गिरते हैं, हस्बैंड ने बहुत ताने दिए हुए हैं जी, डिग्रेड बड़े करते हैं, भाई ऐसे करता है, अबू ऐसे करते हैं, अम्मी ऐसे करती हैं, ऐसे है. एक्चुअली वो अंदर ही कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, पता होता है भाई मैं खुद ही नहीं कर, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई ये जो सेल्फ डिफेंस है वो तो इंसान के अंदर है ना, बाय नेचर है हमारे अंदर, कि हम गलती भी करते हैं और मानते भी नहीं. ठीक है, तो काम मैं खुद नहीं कर रही, कसूर जहां का हो गया. ठीक है, तो इसमें अब जहां का क्या कसूर है भाई, इसमें तो मेरा अपना कसूर है. तो बेटा ये चीज होती है कि बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर ओन. अपने बेस्ट फ्रेंड बनेंगे तो फिर तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी. कितने फ्रेंड्स बनाएंगे और कितनों को छोड़ेंगे, बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स बनाना ना. तो अच्छी सोशल लाइफ रखें, गपशप करें, बट अपने बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो जो अपनी जो चीजें अपनी बातें वो आपने अपने तक ही रखनी है और अपने आप से ही करनी है, आप बड़े खुश रहेंगे, किसी को नहीं बतानी. तो इस तरीके से क्या होता है कि जब इंसान अपना फ्रेंड खुद बनता है ना, फिर उसको पता चलता है अच्छा मैंने ये करना है वो करना है सारा कुछ, क्योंकि ये इंसान के अंदर होता है. उसके बाद जो है इन मॉरल एसेज, पॉप सेपरेटेड बिहेवियर फ्रॉम कैरेक्टर. मॉरल एसेज के अंदर पॉप जो है वो सेपरेट करता है बिहेवियर फ्रॉम कैरेक्टर से. Not always action show the man. कभी भी action जो है वो इंसान, हम इंसान को उसके action से नहीं जज करते. We find who does a kindness is not therefore kind. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो सामने नजर आने वाला kind है या जो सामने show करने वाला kindness show कर रहा है वो actual में भी kind है. Pope prepared an edition of his correspondence. Doctor to his own advantage. He also exploited discreditable artifices to make it appear that the correspondence was published against his will. With the translation of Odyssey, Pope was eager to take all credit, trying to avoid mentioning the contribution of other writers. In his time, Pope was famous for his witty satires and aggressive, bitter quarrels with other writers. When his edition of William Shakespeare was attacked, he answered with the savage burlesque, the denunciate 1728, which was widened in 1742
It ridiculed bad writers, scientists, and critics, while pensive poets painful vigils keep, sleepless themselves to give their readers sleep. वो कहता है ये जो pensive poets हैं वो painful vigil keep करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा efforts करते हैं, खुद अपने आप को तो वो sleepless कर लेते हैं, लेकिन बहुत से readers को वो sleep देते हैं. यानी कि एक moralist का, एक अच्छे writer का क्या काम है कि वो reader को good sleep देते हैं by the power of their pen. Pope died on May 30th, 1744. He left his property to Martha Blount. With the growth of romanticism, pop poetry was increasingly seen as outdated, and the age of pop ended. It was not until the 1930s when serious attempt was made to rediscover the poet's work. ये जनाब आप लोगों की biography end हो गई है. Let's start our next lesson, that is